जॉन हाँ लड़कियां कहाँ है? ये टीना ये मीना। हेलो बोलो। उमी तुमने मुझे डरा दिया यार। पार्टी कब तक चलेगी? एक दो घंटे और। क्यों? एक घंटे बाद मैं आकर बंद करवा दूंगा। हेलो जॉनी बेटा, मैं डॉग बोल रहा हूँ। तेरी तू मुझे कोई मिल तो सही, देख तेरी साथ। ये पता है रॉन्ग नंबर मिल गया था, ये जॉनी का नंबर नहीं था, तुझे पता नहीं है। शजी दो दिल करते हैं बातें दिल की राहों में। जो 5 साल पहले ओ भाई आराम से, खाने में क्या खाती हो? पार्टनर मेरे मशवरे पे चलोगे कभी धोखा नहीं खाओगे। तुम खामखा में लव गुरु बने जा रहे हो। हुमायूं सही दो तुम। कॉमेडी करता है, फोन करूं? वो हमारे लूजर फ्रेंड्स आ गए। साहब आप मेरे घर पे क्यों सो रहे हैं? हमारा घर है। अरे हाँ क्या ना, कल जब मैं गया ना तेरी पार्टी से अपने घर, तो बड़ा वहां सीन हुआ। तेरी जो भाभी है ना, आगे पीछे से ताले लगा दिए थे, तो मैंने कहा के घर चलते, अपना बच्चा है अपना घर है, यहाँ चिल करेंगे, फिर सुबह नाश्ता करेंगे हलवा पूरी का। मैंने तो यहाँ होटल खोला हुआ है ना। क्या बात करा यार, कभी भी तुझे घर की जरूरत हो ना छत की, माई हाउस इज योर हाउस। अल्लाह ना करे कभी ऐसा दिन है। चले उठ। आप पीसी नाश्ता कर रहे? चल यार बड़ी एक जल्दी एक भी कुछ नहीं करा। आपके घर आपकी बेगम के पास। चल तुम भी चल रहे हो साथ? चले आप जा रहे हैं अकेले। चले यार वो इंडिया वाली बात जो है ना, करते हैं हम हमेशा भूल जाते हैं, फिर मैं बिजी हूँ, मैं जा रहा हूँ वेकेशन। कौन कौन आ जाता है यार? मिनी का है वो तो कल रात में ही चली गई थी। मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? यार आप बेबी देखते हैं दोस्तों के साथ। चेंज करता हूँ, निकलो यार तुम लोग, घर जाओ। किधर है तुम्हारे साथ? 3-4 घंटे हो गए मुझे बैठे हुए यार। बैठे हुआ आराम से, दिमाग खराब नहीं करो। मैं घंटे से बैठा हुआ। सरकारी दफ्तर है, उसके बाप का दफ्तर नहीं है। कैसी बातें कर रहे तुम? कैसी बात है? क्या बोला? बाप का दफ्तर? मेरे बाप का दफ्तर है, निकालो उसका ऐसे बात। अरे सर आप चले चले, देखता हूँ सर। ये कौन लोग हैं? ये सर वो बटरफ्लाई कंपनी से लोग आए हुए हैं सर। क्या काम है सर? वो शाहजी के पीए का फोन आया था, कोई शो है सर। ठीक है वालेकुम सर। सलाम, बैठो बैठो, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। वो शाम कर ले फोन तो क्या होगा आपको? हाँ फोन तो आया था, तुम लोग कोई शो वो करा रहे हो सर। असल में वो कॉन्सर्ट है इमरान खान का। अच्छा इमरान खान कौन? वो तरीके इंसाफ वाला? उसने गाना भी गाना शुरू कर दिया क्या? नहीं सर, वो यूके वाला इमरान खान। अच्छा वो बाउंस बिल्लो वाला? जी सर, आपने भी सुना हुआ है? हाँ सुना तो है, हमने ही तो इंट्रोड्यूस कराया भाई उसे। वो कैसे?
यार सवाल ज्यादा नहीं पूछो, काम क्या है ये बताओ। सर वो NOC चाहिए था। क्यों? सर वो असल में टिकट रेवेन्यू का हिस्सा चैरिटी में जाएगा ना। कौन सी चैरिटी? अम्मा अब्बा की चैरिटी? नहीं सर, TPIF। जानता हूँ जानता हूँ, ये बताओ कि कितना परसेंट चैरिटी को जा रहा है। सर ये लेटर देखो। कितना परसेंट चैरिटी को जा रहा है? सर वो 10% और बाकी 90%? सर वो हमारा आफ्टर एक्सपेंसेस। अब आए ना लाइन पे, तो ये बताओ कि इसमें हमारा कितना परसेंटेज होगा? सर वो असल में शांकर ने बोला था कि काम हो जाएगा। काम तो हो जाएगा, लेकिन किस मुल्क में रहते हैं आप? जी पाकिस्तान। इससे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत है? सर लेकिन शांकर ने तो बाहर में क्या शांकर तुम्हारे यार, जाओ नहीं करता काम, जो करना है करो तुम लोग, और जब छापा पड़ेगा ना तुम लोग को समझ आएगी। सॉरी सर, सॉरी। 1,00,000 रुपए अभी और 30% रेवेन्यू का हिस्सा, प्रॉफिट का नहीं रेवेन्यू का। अगर बात समझ आ रही है तो बाहर जाके गुलाम अली से मिल लो, और अगर नहीं समझ आ रही तो फोटो। और हाँ मेरे गेस्ट आएंगे कुछ, मुझे 100 पासेस चाहिए। 100 पासेस? क्यों 30-40 लाख रुपए तो कमाओगे ना तुम लोग, अगर 100 पासेस मेरे हैं तो मौत क्यों आ रही है? ओके सर। और हाँ वो इंतजाम किया है कोई? किस चीज़ का सर? हर चीज बताऊं क्या? अबे इसका और किसका? सर ऐसा कुछ सीन नहीं, असल में कॉन्सर्ट है ना। तो कॉन्सर्ट पे क्या गन्ने का जूस पीते हैं? गुड लक। क्या हुआ, कोई आया नहीं अभी तक? अभी तक तो कोई भी नहीं आया, मैं भी उस वक्त से इंतजार ही कर रही हूँ। और तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? मैं तो सुबह की आई हुई हूँ। बेटा ये नवाबियाँ छोड़ो, नो अय्याशियाँ हैं, काम करना है तो मजदूरों की तरह करो। अगर कोई नहीं आया तो जाओ जाके उनको लेकर आओ, और अगर तुमसे काम नहीं हो रहा तो भी मुझे बता दो, मेरा काम खराब मत करो। लेकिन मैं तो सुबह 7 बजे से आई हूँ। ओ मेरी जान, कहीं आपकी स्किन तो नहीं खराब हो गई? दिखाओ जरा मुझे। जाओ जाके शाहिद को कॉल करो, अभी तक नहीं पहुँचा है, स्टेज नहीं बना है। एक तो ये बर्थडे पार्टीज, I'm sick of them. देखो सहर, यहाँ पे सेकंड चांसेस नहीं होते हैं इस बिजनेस में। That's why I'm the best here. इसीलिए तो तुमने इतने भन मारे। Excuse me? क्या कहा? नहीं नहीं, मैं तो अपने आप से बात कर रही थी। क्यों बीमार हो? Excuse me. Oh my God, आजकल की ये लड़कियाँ। हेलो, क्या हाल है? हाँ सलमा, ना ही पूछो यार। क्या कर रही हो? सुबह 7 बजे से काम कर रही हूँ। संडे को भी? हाँ यार, इस लाइन ऑफ वर्क में संडे को भी काम करना पड़ता है। आहा, मुझे मत समझाओ। और बॉस कैसी है तुम्हारी? वैसी की वैसी सड़ू। उसके लोग आए नहीं है, उल्टा मुझे डांट रही है। मैं टाइम पे पहुंची हुई थी। अच्छा और क्या हो रहा है, क्या सीन है? मत पूछो, आई डोंट नो सलमा, मैं ये सब करने नहीं आई थी, फजूल से इवेंट्स। मुझे फैशन वीक, कॉन्सर्ट्स। कॉन्सर्ट भी क्या, मेगा कॉन्सर्ट्स, अवार्ड शोज, मुझे ये सब देखना था, ये सब सीखना था, और यहाँ पे उल्टा। लुक आई एडमिट के चीके साथ में एक दो दफा बड़े शोज आ जाते हैं, पर अदर देन दैट थके हुए कॉन्सर्ट्स, बच्चों की बर्थडेज, वही शादियाँ, वही मेहंदियाँ, पता नहीं कहाँ फंस गई हूँ मैं यार। तुम्हें बड़ा शौक था ना? था तो, बस देखती जाओ, इस कोमल को तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगी ना। क्या इरादे हैं? वो तो टाइम के साथ ही पता चलेगा। अच्छा बताओ तो अमिया कैसा है, उसे कुछ पता तो नहीं चला? हाँ यार शुक्र, कुछ पता नहीं चला, वो तो रात को इतने धुंध आए थे उन्हें होश ही नहीं था। चलो शुक्र है, वैसे कितना मजा आया था ना लीकी पार्टी पे। हाँ यार सारी रात तो हम स्कूल की बातें करते रहे। खैर मुझे मिनी माउस है ना, वो नहीं छोड़ेगी अली का पीछा। छोड़ेगी भी नहीं, वैसे नहीं क्यों, मुझे तो लग रहा है फेमस होने के बाद वो ज्यादा क्यूट लगने लगा है अली। हाय चलो, इन अनदर लाइफ में भी। क्यों इस लाइफ में क्यों नहीं? हेलो, इफ यू हैव नॉट नोटिस्ड, मेरा शायद 6 feet 2 inches का एक जवान मियां है जिससे मैंने शादी की है। ओहो जवान तो ना कहो उसे। कम ऑन यार, ही हैज हिज गुड पॉइंट्स टू। जैसे कि क्या?
अयाशी करना, पीना पिलाना, अपनी बीवी की बेइज्जती करना। ओए, मियां है मेरा। ऐसे नहीं चलेगा सलमा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अच्छा बस मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, और आप दोनों ने जो हरकत की थी ना उस दिन, वो अब नहीं हो सकती। हाँ देखी जाएगी। तो छोड़ो, मुझे बताओ अली से बात हुई उसके बाद? नहीं यार, पता नहीं कब से फोन कर रही हूँ, फोन उठा नहीं रहा। नवाब जादे अभी उठे कहाँ होंगे, उठेगा तो ही पता चलेगा। Hey. Hi, मिनी, ये देखो मैंने तुम्हें कितने फोन किए, तुम मेरा फोन क्यों उठा रही थी? I was busy shooting. तुम देख नहीं रहे हो? तो क्या तुम्हें एक मिनट फ्री नहीं मिला टू कॉल मी बैक? Sorry, I was busy. मिनी, is this about last night? I don't know what you're talking about. तुम चली कहाँ गई थी? Congratulations, Ali. आपको याद भी आ गया कि मैं वहां से चले गई थी। Thanks. वो मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। और मुझे कॉल करने का ख्याल कुछ दोपहर 1 बजे आया है तुम्हें, ढूंढ रहे थे मुझे। अच्छा, I'm sorry. चलो लंच करने चलते, come on. What part of I am shooting don't you get? Easy, relax. इतना चीख क्यों रही हो? अच्छा है, तुम्हें भी पता चले कि embarrass होना कैसा लगता है। मैंने लोग सुन रहे हैं, सीन क्रिएट मत करो। मेरा सीन तैयार हो गया है, I've got to go. Anything else? ऐसा मत करो मिनी, प्लीज। कैसा मत करो अली? जैसा तुम कर रही हो। जो मैं कर रही हूँ? पहले अपने आप को देखो और फिर बात करो। ये सिर्फ कल रात की बात नहीं है। Be grateful for what you have before you lose it. सामाईन, नाजरीन, हाजरीन, कदरदान, सियासतदान, आप सब लोगों को और लेडीज को मेरा, जॉन का और एफएम ढिंचक का सलाम। जी हाजत, आप लोगों को पता है कि जॉन कभी भी दिन के टाइम का शो करता नहीं है, जॉन करता है लेट नाइट शो। लेकिन चूंकि आज मुतजलजल की तबीयत खराब है, इसलिए मुझे शो करना पड़ रहा है। और तू, मुझे पता है तू इस वक्त साइंस फिट पहुंचा हुआ है अपने बीवी बच्चों के साथ, लेकिन कोई बात नहीं, तूने हमें चूना लगाया, हम किसी और को चूना लगा देंगे। तो शो का बकायदा आगाज करते हैं एक कॉलर के साथ, तो लेते हैं कॉल। हेलो जी। हेलो। हेलो जी। हेलो। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी। हेलो, मैं रिजवान बात कर रहा हूँ। जी रिजवान, शुक्र है आपने हेलो के अलावा कुछ और बोला, मुझे लगने लगा था कि आप कोई फॉरेनर हैं। हेलो जी रिजवान। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप क्या कहेंगे? मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, आप जैसे फैंस की वजह से ही तो हम यहाँ बैठे काम कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवान क्या कहेंगे और? हेलो रिजवान, यार हर बात के बाद हेलो बोलना जरूरी नहीं होता, खुदा के वास्ते। हेलो, आवाज आ रही है? क्या जी रिजवान, तो क्या कहेंगे आप, कोई गाना सुनेंगे तो बता दें, कोई गाना सुनेंगे? आपके पास अताउल्ला खान ईसा खेलवी का है चिमटा तांवजदा। अताउल्ला खान ईसा खेलवी का चिमटा तांवजदा। चिमटा क्यों बजता है? चिमटा अता, ये चेक करना पड़ेगा मुझे। अता 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 अल्लाह उल्ला अल्लाह। नहीं यार, ये गाना तो डिलीट हो गया है, मिटा दिया हमने ये गाना। आप कोई और गाना सुनेंगे चिमटा तां वजदा के अलावा? अच्छा जी, वो है पामा खदेखा। किसका खदेखा? पामा, पामा खदेखा। पामा खदेखा, भाई ये गाना है या कोई बाम शाम का नाम बता रहे हो मुझे? हेलो मेरे भैया, कोई और गाना सुनेंगे आप? ये पामा खदेखा हमारे पास नहीं है मेरे दोस्त। भाई नहीं है पावा खा देखा, यार कोई और गाना सुनेंगे आप? रिजवान साहब, तो बेटा रेडी लगाओ और गजक बेचो, ये रेडियो स्टेशन कॉल के बैठे हो। अब ये कॉल ड्रॉप हो गई, बहुत अफसोस होता है हमें जब कोई कॉल ड्रॉप होती है, दिल खून के आंसू होता है, लेकिन क्या करें, ये सब कुछ तो जिंदगी के साथ है। आप लोगों को पता है हम अपने कॉल से कितना प्यार करते हैं। जी हाँ, तो अब कॉल चूंकि ड्रॉप हो गई है, जिंदगी का हिस्सा है, इसके साथ ही चलना है। अब वो पामा खदे खा तो हमारे पास नहीं है गाना, लेकिन हम आपको एक और गाना सुनाएंगे, एक बहुत अच्छा गाना, जोश बैंड का एक जोशीला गाना, जोश नाल पाओ पंगड़ा, साडे नाल पाओ पंगड़ा, सोनिए रस्ते तू हट जा। जी हाँ, सुनते हैं जोश का ये जोशीला गाना, साडे नाल पाओ पंगड़ा। सीन्स अच्छे हो गए ना आज? ठीक था। कम ऑन यार, ठीक नहीं था, दे वर ऑसम।
इट्स जस्ट वर्क, रिलैक्स। अच्छा एक बात बताओ, तुम इतनी अपसेट क्यों रहती हो? तुम्हें कुछ काम है मुझसे? नहीं, कुछ खास नहीं। लेकिन तुम अपसेट लगी तो कहीं अली से तो कोई प्रॉब्लम? देखो ये मेरा पर्सनल मामला है। I'd really appreciate it if you stay out of it. Listen, तुम गुस्से में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो। चलो कुछ खाते चल के। मेरा काम है, मेरी कमिटमेंट्स हैं। That's too bad. मैंने सोचा कि कहीं चलते हैं बाहर, you know, and we could get to know each other a little better. You know what? You're done with this. मैं अनवर साहब से शिकायत करूंगी। और क्या बोलोगे अनवर साहब को? कि मैंने तुम्हें डिनर पे ले जाने के लिए पूछा। ये सुन के वो तुम्हें खुद ही ऑफर मार देंगे। You are so done. कहाँ जा रही हो? अली के पास? वो तो गया तुम्हारे हाथ से अली। हाँ, और ये बकवास तुम्हें ही पता होगी। नहीं, बस कुछ रूमर सुने थे मैंने। लेकिन सिंस अब तुम जा रही हो तो कैसे कटा दूं? गर्लफ्रेंड है मेरी यार। मेरा तो लड़की के मामले में सिंपल असूल है, पांव की जूती बना के रखो। इतना आसान नहीं है मेरे भाई। मेरे लिए तो बहुत आसान है। अच्छा वो छोड़ो, ये तो बड़ों का क्या देख रहे हो? यूट्यूब पे मून लैंडिंग की डॉक्यूमेंट्री आ रही है। मून? अरे दिल चाह रहा है मून पे ही चला जाऊं। सेंटी हो रहे हो? हाँ थोड़ा सा। यार रोमी, वो मिनी है ना, उसने बड़ा तंग किया है मुझे। कल क्या मैंने अपने पुराने दोस्तों को आफ्टर पार्टी में बुला लिया, उसने एक सीन क्रिएट कर दिया मेरे साथ। लड़की को बैलेंस करना सीखो, उन्हें कभी इग्नोर फील मत होने दो, वरना तो बैंड बजेगा। यू राइट, वैसे लगता है मैंने उसे कुछ ज्यादा इग्नोर कर दिया। तुम्हारा शर्मा के साथ सीन था ना? ये तो मैं शेजी ने बताया। शेजी मैं कोई क्लास फेलो थोड़ी है। जो वो मुझे तुम्हारी रिपोर्टें देगा, मैंने पुरानी फोटोज और वीडियोस देखी है। इसमें शर्मा और तुम बहुत टाइट थे। हाँ, टाइट तो हम बहुत थे। जाने क्यों दिया? ये एक अच्छा सवाल है।